हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में वोटर आईडी कार्ड अभी तक आपने नहीं बनाया है तो ऑनलाइन कैसे अपने घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा करके कि किस तरह से हम अपना वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे मुझे कितने दिन के बाद मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगा, तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में, सर्च बार में टाइप करना है nvsp.in। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में कुछ इस तरह से खुल के आएगा। आप मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर देना ताकि अच्छे से दिखे, और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो डेस्कटॉप साइज है इसको इनेबल कर देना है। बस इसके बाद आपको यहाँ पे साइड बार में दिख रहा है, ये अभी कुछ भी ओपन नहीं होगा। आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा। तो लॉगिन और रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए बोला, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के इस कैप्चा को इस बॉक्स में भर के आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन आप अगर पहली बार इस साइट पे आ रहे हो और इस पोर्टल पे आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना रखे हैं, तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। अगर आपने बना लिया तो डायरेक्ट आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एंड न्यू यूजर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इस कैप्चा जो है, ये कैप्चा जो लिखा हुआ है रेड कलर में, आपको इस बॉक्स में भर देना। जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ही भरना है सेम टू सेम। और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया। उस ओटीपी को मैंने डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि आपके पास ईपिक नंबर यानी कोई भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है। तो आप तो पहली बार कर रहे हो तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड का तो होगा ही नहीं है, तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से आपको पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है ऊपर में, जो भी आपको पासवर्ड एग्जाम्पल की तरफ आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं दे रखा हूँ कि इस तरह से आप डाल सकते हैं अपने नाम के साथ पासवर्ड। तो आप ऊपर पासवर्ड डालेंगे, वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर नीचे डालना है कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो आगे आपको होम पेज पे चले जाना है और लॉगिन करना है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार होम पेज पे आ गया हूँ और यहाँ से जब मैं लॉगिन पे फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं अपना जो पासवर्ड और यूजर आईडी अभी जो मैंने बनाया है उसको मैं यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ यहाँ पे इस पोर्टल पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा का सारा बटन साइड में इनेबल हो चुका है, यानी कि ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एज ए न्यू यूजर, आपको रजिस्टर इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर आपका सारा का सारा खुल के फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर से 6A, 6B, 7, सिंपली से आपको नया वाला 6 पे करना है। फॉर्म नंबर 6 पे नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो 6 पे ही क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ से आप अपने लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी में रख सकते हैं या इंग्लिश में रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इंग्लिश में रख लेता हूँ। और सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से हो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चूज कर लेना, जिस भी ब्लॉक से हो आपको अपना यहाँ पे ब्लॉक चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे ऊपर में ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, इंग्लिश में लिखूंगा मैंने सुनील लिखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे में ऑटोमेटिक टाइप हो गया आ गया। तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और यहाँ पे आपको सरनेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सरनेम डालना है, जो लास्ट का जो नाम होता है वो लास्ट नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, जैसे जैसे मैंने कुमार डाल दिया। आपको नीचे में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार टच कर देना यानी क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ये हिंदी में लिख के आ जाएगा। इस तरह से आपको
सारा फॉर्म को फिलअप करना है, अपना पिता का नाम डालना है या माता का नाम डालना है, तो पहला नाम आप यहाँ पर डालोगे, उसके बाद नीचे में आपको सरनेम डालोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी टाइप होकर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि ऊपर जो नाम डाले हो अपने पिता का डाले हो या माता का डालोगे, तो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है कि फादर डाले हो या मदर का नाम डाले हो। इस तरह से आपको चूज़ कर लेना है कि इसका रिलेटिव आपके साथ क्या है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे और ऑप्शन जुड़ गया है, यहाँ पे आपको आधार नंबर भी आपको डाल देना है। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे कि आप मेल हो या फीमेल हो, कौन सी कैटेगरी हो, तो मेल हो तो मेल डालना है, अगर फीमेल हो तो फीमेल आपको चूज़ कर लेना है। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं यहाँ के, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको कैलेंडर के हिसाब से, यहाँ जो कैलेंडर खुल के आया है इस कैलेंडर के हिसाब से आपको अपना बर्थ चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, नीचे में सेलेक्ट करना है कि आपने डॉक्यूमेंट आप क्या लगा सकते हो, आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड लगा सकते हो। तो जो भी आपके पास आईडी है वो आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक आपको आईडी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया उसका एक फ़ोटो कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में अपना एड्रेस पूरा का पूरा फिलअप करोगे, जो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर दोगे। एक डॉक्यूमेंट आपको पहले लगा था एज प्रूफ के लिए, और यहाँ पे जो आप लगाओगे आईडी प्रूफ के लिए, क्योंकि आपका एड्रेस प्रूफ के लिए एक आईडी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो आपने ऊपर जो लगाया था वो एज प्रूफ के लिए काम आएगा और यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना कि क्या आईडी लगाना है। तो यहाँ भी आप चाहते हो तो आधार कार्ड लगा सकते हो, तो मैं आधार कार्ड ही लगाऊंगा और आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करूँगा। फोटो कॉपी का एमबी जो होगा 5 MB से कम का होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अपलोड फोटोग्राफी है, तो आपको एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो जो फाइल लिखा हुआ है आपको चॉइस फाइल पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से अपने फाइल में चले जाना है, और जहाँ भी आप फ़ोटो रखे हो तो अपने फ़ोटो को अपलोड कर देना है। जो फ़ोटो आपके पहचान पत्र में ऊपर में आएगा वो फ़ोटो आपको एक अच्छे से बना लेना है, जो कि पहचान पत्र में दिखने वाला है। तो दोस्तों मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का फ़ोटो मेरा है और मैंने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट परव्यू, तो परव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपका फ़ोटो दिखेगा, जैसे मेरा फ़ोटो कट रहा है तो मैं ये फ़ोटो नहीं लगाऊंगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पर नीचे चले आना है, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे से कुछ नहीं करना है, आपको नीचे चले आना उसके बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछ रहा है कि आपके फैमिली में किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आप उनका नाम दे सकते हैं, उनका रिलेटिव क्या है, आपके माता है, पिता है, क्या है, वो रिलेटिव आपको चूज़ कर लेना है। उनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे आपको डालने के लिए बोल रहा है, तो चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अपना प्लेस यानी अपना घर, और यहाँ पे डेट तो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे आपको प्ले अपने जिला का नाम डाल देना बस। यहाँ पे जिला का नाम डाल के ये जो कैप्चा है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो प्रीव्यू इमेज पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डिटेल खुल के आ जाएगा। आपको अच्छे से इसको रीड करना है कि जो भी आपने फॉर्म भरा है वो सही है, अगर कुछ भी गलत हो तो आप यहाँ से फिर से करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से आपको बैक जाके फिर से करेक्शन कर देना है। अगर सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना कि जो भी आपने फिलअप किया है, जो भी आपने फॉर्म में भरा है वो सही है या गलत है, आपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया वो फ़ोटो है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको दिखेगा आपके सामने में। अगर आपको इसे प्रिंट करके रखना है तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर प्रिंट नहीं करना है सब कुछ सही है तो सिंपली से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का, तो जैसे आपने सबमिट किया ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रेफरेंस आईडी, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आप ट्रैक करके देख सकते हो कि कहाँ तक पहुँचा है मेरा एप्लीकेशन और किस स्थिति में है, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो सारा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो सिंपली से आपको फ़ोटो को कॉपी कर लेना, जैसे मैं मैं यहाँ यहाँ से से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ये नंबर को, और आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है मेरे वोटर आईडी कार्ड का। दोस्तों फिर से आपको आ जाना है होम पेज पे, होम पेज पर आने के बाद में कुछ इसी तरह से आपको डैशबोर्ड खुल के आएगा, तो नीचे स्क्रॉल करके आओगे और यहाँ पे
नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही जो आपने वहाँ से नोट किया था या कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सबसे पहले आपको स्टेट यहाँ से चूज़ कर लेना है किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था, और स्टेट चूज़ करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना आईडी, जो आईडी आपने कॉपी किया था या नोट किया था उसको यहाँ पर डाल देना है। और अपना आईडी डालने के बाद में सिंपली से आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। स्टेटस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और ये BLO के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा, और यहाँ से जब ओके हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि फेल्ड हो गया या वेरीफाई हो गया है। तो मेरे स्टेटस में यहाँ पे वेरीफाई लिख रहा है, और यहाँ पे लास्ट आएगा यहाँ पे आपको बताएगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया है और आगे जाके एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आपको जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो सिंपली से आप उसी टाइम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक मिल जाएगा कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से, तो मैं आपको बता रखा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करिए, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए हमारे मेहनत के लिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो, टेक्निकल वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।